लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला सेंटेंस है, तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। हम किसी को ऐसा कह रहे हैं कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। यू माइट एंड अप इन अ बिग ट्रबल। यू माइट एंड अप इन अ बिग ट्रबल। कहीं पर एंड अप होने का मतलब होता है आखिर में जाकर वहां पर फंस जाना, या फिर कोई चीज आपके साथ हो जाना आखिर में जाकर। जैसे कि शी एंडेड अप इन जेल, वो जेल में जाके उसका काम हुआ, जेल में गई वो आखिर में। शी एंडेड अप इन जेल। जैसे कि इफ यू कीप डूइंग दिस यू विल एंड अप रिग्रेटिंग। अगर तुम यही करते रहोगे तो तुम फिर रिग्रेट करोगे। यू विल एंड अप रिग्रेटिंग, यानी आखिर में ना तुम रिग्रेट ही करोगे। इस तरीके से एंड अप का यूज किया जाता है। तो फिर वैसे ही हमारा सेंटेंस था, यू विल एंड अप इन बिग ट्रबल। लेकिन हमने विल का नहीं, हमने माइट का यूज किया, क्योंकि हमारे पास श्योरिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सचमुच में ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा। हम कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि तुम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, और पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का हमने यूज किया। यू माइट एंड अप इन अ बिग ट्रबल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी क्लियरली। किसी ना किसी तरह घर पहुंचो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम सुनने वाले को कह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह कैसे भी घर पहुंचो। हम कह सकते हैं somehow make your way to the house। somehow यानी कैसे ना कैसे करके, make your way to the house। If you make your way to some place that means you try to find a way to get there and you just get there, you end up getting there। यानी आप कहीं पर पहुंचने की बात करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं find a way to your house, यानी अपने घर जाने का रास्ता ढूंढो, या फिर somehow make your way to your house। अब याद करता हूँ ना तो हंसी आती है। जैसे कई बार हमारा कोई पास्ट का मोमेंट होता है जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसी चीज़ थी, लेकिन हम कहते हैं अब मैं उस चीज़ को याद करता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है, बहुत फनी लगता है वो। इट्स फनी टू रिमेंबर नाउ। इट्स फनी टू रिमेंबर नाउ, यानी अब याद करने से ना फनी लगता है। इट्स फनी टू रिमेंबर नाउ। या फिर आप कह सकते हैं इफ़ आई थिंक अबाउट इट नाउ आई कांट स्टॉप लाफिंग, यानी अगर मैं अब उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी हंसी ही नहीं रुकती। आई कांट स्टॉप लाफिंग, मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप ऐसे किसी को कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है कि मेरे लिए हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है। इट गेट्स हार्ड फॉर मी टू रिस्ट्रेन माई लाफ्टर। इट गेट्स हार्ड फॉर मी टू रिस्ट्रेन माई लाफ्टर। अगर आप किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करते हैं, इसका मतलब आप उस चीज़ को अपने अंडर लाना चाहते हैं, यानी कि अपने कंट्रोल के अंडर लाना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, उस पर अपनी पकड़ हासिल करना चाहते हैं। इस तरीके से आप अपने रिस्ट्रेन करते हैं एंगर को, आप अपने किसी भी इमोशन को रिस्ट्रेन करते हैं, इसका मतलब आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सो इट गेट्स हार्ड फॉर मी टू रिस्ट्रेन माई एंगर, अपना गुस्सा काबू करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। वैसे ही इट गेट्स हार्ड फॉर मी टू रिस्ट्रेन माई लाफ्टर, मुझे जो अपनी हंसी है उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करो, कहते हैं ना आप किसी को ऐसे जो बहुत ही गुस्सा करता है, अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करो। ट्राई टू रिस्ट्रेन योर एंगर। ट्राई टू रिस्ट्रेन योर एंगर। बच्चे को रोड पे भागने से रोको। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं ना, रोड पे भागने चले जाते हैं। बच्चे को रोड पे भागने से रोको। रिस्ट्रेन द चाइल्ड फ्रॉम रनिंग ऑन द रोड। रिस्ट्रेन द चाइल्ड फ्रॉम रनिंग ऑन द रोड, यानी रोड पर भागने से चाइल्ड को रिस्ट्रेन करो, उसे स्टॉप करो, उसे प्रिवेंट करो। सो स्टॉप, प्रिवेंट, रिस्ट्रेन सभी सिनोनिम्स हैं। कुछ टाइम से मैं काम में बिजी चल रहा हूँ, ऐसे हम बोलते हैं ना कि कुछ टाइम से मैं काम में बिजी चल रहा हूँ। हम कहेंगे रिसेंटली आई हैव बीन बिजी विद वर्क। रिसेंटली, तो रिसेंटली से हम ये बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में, कुछ अभी बीते हुए टाइम में, अभी रिसेंटली आई हैव बीन बिजी। ये एक्चुअली में प्रेजेंट परफेक्ट है। बी मतलब होना, बी बिजी मतलब बिजी होना। आई हैव बीन बिजी यानी कि मैं बिजी रहा हूँ, अभी भी बिजी हूँ। किस में? विद माई वर्क, अपने काम में मैं बिजी रहा हूँ रिसेंटली। रिसेंटली आई हैव बीन बिजी विद वर्क। शुरू शुरू में तो मेरी बात सबको पसंद आई। शुरू शुरू में तो मेरी बात सबको पसंद आई, इसे इंग्लिश में कहेंगे इनिशियली एवरीबडी लाइक्ड माई आइडिया। इनिशियली, अगर कुछ इनिशियली होता है मतलब वो शुरू शुरू में होता है, बात का तो पता नहीं। तो इनिशियली एक एडवर्ब है जो ये बताता है कि शुरुआत में। इनिशियली एवरीबडी लाइक्ड माई आइडिया, शुरू शुरू में तो सबको मेरा आइडिया पसंद आया। बट देन दे स्टार्टेड हेटिंग इट, फिर वो उसे हेट करना शुरू करने लगे। देन दे हेटेड इट, कोई भी आप आगे बात कह सकते हैं। तो मुझे बस ये बताना था आपको कि शुरुआत में कुछ होता है तो उसके लिए आप इनिशियली वर्ड का यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, मैं शुरू शुरू में तो बहुत खुश था पर फिर मुझे चिंता होने लगी। इनिशियली आई वॉज एक्साइटेड, इनिशियली आई वॉज डिलाइटेड, बट देन आई स्टार्टेड वरिंग,
देन आई स्टार्टेड वरिंग, यानी फिर मैंने वरी करना शुरू कर दिया, चिंता करना शुरू कर दिया। बट इनिशियली आई वॉज डिलाइटेड, पहले तो मैं बहुत खुश था, शुरू शुरू में मैं बहुत खुश था, बाद में मेरा मूड खराब हो गया, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, बस हो गया। इनिशियली तो मैं खुश था। वो चुपके चुपके मेरे कमरे में आ गया। तो यहाँ पर एक बात है, चुपके चुपके, तो इस बात के लिए हम इंग्लिश कैसे कह सकते हैं? हमारे पास फिर से एक एडवर्ब होता है, ही स्टेल्थिली एंटर्ड माई रूम। इफ यू डू समथिंग स्टेल्थिली, दैट मीन्स यू डू इट विदाउट एनीवन नोटिसिंग। कोई नोटिस नहीं कर रहा है, आप चुपके चुपके किसी काम को कर रहे हो, क्वाइटली कर रहे हो, इन अ वेरी केयरफुल मैनर आप उस काम को कर रहे हो, यानी कि आप उस काम को स्टेल्थिली कर रहे हो। जैसे कि ही स्टेल्थिली एंटर्ड माई रूम, यानी चुपके चुपके वो मेरे कमरे में आ गया। आज मैं अपनी ड्यूटी से घर पर थोड़ा जल्दी आ गया। सो अगर आप अपने उसी टाइम पर आ जाएंगे, इसका मतलब आप यूजुअल टाइम पर आ जाएंगे, और अगर आप अपने यूजुअल टाइम से पहले आ जाएंगे, मतलब आप अर्लियर देन यूजुअल हैं, तो आप कह सकते हैं आई केम होम फ्रॉम वर्क टुडे अर्लियर देन यूजुअल। अर्लियर देन यूजुअल यानी कि अपने यूजुअल टाइम से पहले आ गया। मैंने सारे ड्रॉर छान मारे, पर मुझे कहीं भी मेरा मार्कर नहीं मिला। जैसे कि ऐसी बातें कई बार बोली जाती है, पूरा कमरा छान मारा, सारे ड्रॉर छान मारे, सारे घर छान मारे, पूरा घर छान मारा। तो उसके लिए हमारे पास फिर से एक और वर्ड होता है, रमेज थ्रू समथिंग। तो आप कह सकते हैं आई रमेज थ्रू ऑल द ड्रॉर्स बट आई कुडंट फाइंड माई मार्कर। मुझे अपना मार्कर नहीं मिल पाया, लेकिन आई रमेज थ्रू ऑल द ड्रॉर्स, मैंने सभी ड्रॉर्स में से रमेज थ्रू किया, लेकिन कहीं पर भी मुझे अपना मार्कर नहीं मिला, यानी कि पूरे ड्रॉर छान मारे। जैसे मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरा फोन मुझे कहीं भी नहीं मिला। आई हैड अ रमेज अराउंड द हाउस बट आई कुडंट फाइंड माई फोन एनीवेयर। आई हैड अ रमेज अराउंड द हाउस बट आई कुडंट फाइंड माई फोन एनीवेयर। यहाँ पर रमेज एज अ नाउन यूज हो रहा है। आई हैड अ रमेज यानी कि मैंने पूरा कमरा छान मारा, पूरे कमरे की तलाशी ले ली, अच्छे से पूरा घर देख लिया, लेकिन आई कुडंट, कुड का यूज होता है पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कि पास्ट में मैं नहीं कर पाया कुछ। I couldn't find नहीं कर पाया my क्या चीज, my phone, I couldn't find my phone। उसने मेरा फोन अपने कमरे में छुपा दिया, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। He hid my phone in his room। अब यहाँ पर हाइड का मतलब छुपाना होता है और छुपना भी होता है, और हाइड की सेकेंड फॉर्म है hid, H-I-D, hid, और थर्ड फॉर्म hidden होती है, जैसे कि hidden treasure होता है। कभी आपको hidden treasure मिला है? बहुत बड़ी चीज होती है वो तो। तो हिड यानी कि छुप जाना, सो या फिर छुपा देना, है ना, क्योंकि ये वर्ब की तरह भी काम करता है, यानी कि आप किसी चीज़ को छुपा रहे हो या खुद छुप रहे हो, दोनों कामों के लिए हाइड का यूज़ हो सकता है। सो ही हिड माय फोन, उसने मेरा फ़ोन छुपा दिया। और अगर मैं कहूँ ही हिड समवेयर, इसका मतलब वो खुद छुप गया कहीं ना कहीं। ऐसे आप हिड का दोनों सेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी, हम किसी को ऐसे बोलेंगे, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाई डिड यू हैव टू डू दिस, व्हाई डिड यू हैव टू डू दिस। आप ये भी कह सकते हैं Why did you need to do this? तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? पता नहीं उसके दिमाग में क्या घूम रहा था, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। आप किसी के बारे में ऐसे कंफ्यूज्ड हो, तो आप कह सकते हैं I don't know what was running through his mind। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन देखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।